और जय माता दी दोस्तों। और मैं झांसी रोड पर स्थित वैष्णो देवी धाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। और वैष्णो देवी माता के आज आप सभी ग्वालियर वासियों को, सभी चंबल संभाग वासियों को आज ग्वालियर की प्रसिद्ध देवी झांसी रोड थाने के जस्ट बगल से ये रास्ता जाता है और माँ वैष्णो देवी का दरबार सेम टू सेम, जैसे आप बड़ी वैष्णो देवी मंदिर आप गए हुए हैं तो वैसी गुफा और वैसा ही रास्ता यहाँ पर माता रानी का है। और मेरे साथ में अभी एक फैमिली यहाँ पर मौजूद है, क्या नाम है भैया? रोहित पवार सर। आरती पवार। विनय सोनी। दर्शन कर लिए माता? दर्शन कर लिए। कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे हुए। फर्स्ट टाइम देखा है आपने ऐसा कुछ? आपने फर्स्ट टाइम देखा? फर्स्ट टाइम आई हूँ, फर्स्ट टाइम देखा ऐसा कुछ है। वैसे कहाँ रहते हैं आप? हम आनंद नगर रहते हैं, बड़ा पुराना नगर। आनंद नगर जी। तो भाभी जी को आज पहली बार लेकर आए? फर्स्ट टाइम लेकर आया। फर्स्ट टाइम? मैं खुद 15 साल का था। तो वैसे ही लगा आपको जैसा वैष्णो देवी दरबार में जैसे जाते हैं गुफा से होते हुए? वैसे ही लगा, बिल्कुल वैसे ही लगा। बिल्कुल वैसे ही लगा जी। जी बोलिए वैष्णो देवी मैया की जय। एक आपके लिए अनेजा मॉल, ये ग्वालियर का नंबर वन मॉल है, अनेजा मॉल मोर बाजार के पास है। 10% डिस्काउंट आपके लिए, अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अनेजा मॉल की ओर से। एक आपके लिए दोस्तों, ये प्रवेश द्वार है, सभी भक्त यहाँ देख रहे हैं, महिलाओं की और पुरुष की अलग अलग लाइन के द्वारा यहाँ से दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये प्रवेश द्वार है। माता जी दर्शन कर लिए आपने? कर लिए दर्शन? कैसे दर्शन हुए? बढ़िया हुए। नहीं, बढ़िया दर्शन हुए। बोलो मैया रानी की। ये रास्ता जाता है और दिन में बहुत भीड़ रहती है, अभी शाम का वक्त है और सभी श्रद्धालु माँ के दर्शन कर कर आते हुए, और ये आप देख सकते हैं ये रेलिंग के द्वारा यहाँ से सीधा रास्ता जाता है माँ के दरबार की ओर। सभी श्रद्धालु माँ के दर्शन करने जाते हुए, और ये कतार यहाँ से चालू होती है और यहाँ से सीधे माँ के दरबार की ओर जाते हैं, और गुफा से होते हुए सभी श्रद्धालु जाते हैं, यानी कि पुरुष की लाइन अलग और महिलाओं की लाइन अलग। और चलिए आपको अंदर लेकर चलता हूँ, और ये माँ का दरबार है और ये माँ का प्रांगण है, और माँ के प्रांगण में सभी भक्त माँ से मनोकामना मांगते हुए, और आप देख सकते हैं ये लाइन यहाँ से चालू हो जाती है, यानी कि पुरुष की लाइन अलग और महिलाओं की लाइन अलग, और सभी ग्वालियरवासी सभी श्रद्धालु यहाँ पर माँ के दर्शन करने जाते हुए। बोलो वैष्णो मैया की जय। जोर से बोलो, जय माता दी। जोर से बोलो, जय माता दी। सभी श्रद्धालु माँ का जयकारा लगाते हुए और माँ के दर्शन करने जाते हुए और गुफा से होते हुए, और ये अमरनाथ गुफा से निकलकर आते हुए, ये अमरनाथ की गुफा है, अमरनाथ बाबा की गुफा है। और ये माँ का प्रांगण अद्भुत साज सज्जा यहाँ पर की गई है, लाइटिंग की आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, अद्भुत साज सज्जा के साथ सजा है श्री वैष्णो देवी दरबार। और मेरे साथ में एक फैमिली यहाँ पर मौजूद है, और माँ के दरबार में आप लोग कहाँ से आए हुए? निम्बाजी गो, जीवाजीगंज। जीवाजीगंज निम्बाजी गो से आए? हाँ, तुम्हारे पास से। अच्छा, तो माँ की कोई भेंट आती है आपको? आती है। तो माता की कोई भेंट सुना दीजिए। सुना। सुहागन हो सुहागन को ना कुछ चाहिए, ना कुछ चाहिए। लंबी हो गई आपकी।
नहीं हम नहीं तो नंदे हुए। अच्छा नंदे हुए बिना सोनू है ना। अच्छा सोनू छोटे भैया हो गए। अच्छा अच्छा तो ऐसे ही ऊपर कोई भेंट आती है, आपने नई भेंट सुनाई है माता की? मैंने भी तो पहली बार सुनी है। ऐसी कोई और भेंट आती है? आप कहाँ के हो आप? आगरा से, बाहर उत्तर प्रदेश, यूपी से। यह मॉल ग्वालियर की ओर से ये माता की चुन्नी, एक आपके लिए, आप लहंगे पे भी यूज कर सकते हैं, साड़ी पे भी यूज कर सकते हैं। अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से एक आपके लिए। और दोस्तों यहाँ से चालू होती है माँ की गुफा, माँ वैष्णो देवी की गुफा, आप देख सकते हैं। हाँ ये माँ वैष्णो देवी ग्वालियर झांसी रोड थाने के जस्ट बगल से है माँ वैष्णो देवी का, ये कई वर्षों पुराना ये मंदिर। और यहाँ से माँ की गुफा चालू होती है और सीधे माँ की गुफा सीधे आपको दर्शन कराएंगे माँ वैष्णो देवी मैया के, आप देख रहे हैं। और ये गुफा के रास्ते हम जाते हुए माँ वैष्णो देवी के धाम पर, और माँ वैष्णो देवी का ये दरबार, अद्भुत दरबार सजा हुआ है। बोलो वैष्णो देवी मैया की जय। और आप दर्शन कर रहे हैं माँ वैष्णो देवी मैया के, और आपकी जो भी मनोकामनाएं मांग लीजिए मैया से। आज अष्टमी का दिन है और अष्टमी के दिन माँ आप सभी पर कृपा बरसा रही हैं, तो दर्शन कर लीजिए माँ वैष्णो देवी मैया के। पिंडी के दर्शन मैं आपको कराना चाहूँगा, माँ वैष्णो देवी मैया के दर्शन आप कर रहे हैं सीधे ग्वालियर मेला महोत्सव। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, डैन और GTPL नेटवर्क पर, और माँ की महिमा अपरंपार है। और आपकी जो भी मनोकामनाएँ मांग लीजिए मैया से, कई वर्षों से मैया सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती हुई आ रही हैं। आपकी जो भी मनोकामना है मांग लीजिए मैया रानी से। और मेरे साथ में यहाँ पर भगत जी यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। 2019 में आना हुआ था भगत जी के पास, और 2020 में कोरोना काल के बाद नहीं आ पाया था मैं। और भगत जी आपका स्वागत है और जय माता दी। जय माता दी। मैया की महिमा जो हमारी नई पीढ़ी है वो जानना चाहेंगे, ये मंदिर कब से यहाँ पर स्थापित और कितने वर्ष हो चुके हैं? इस मंदिर को 41 साल हो गए हैं, और सबसे पहले माँ श्री गुरु महाराज जी की समाधि दी गई थी, उसके बाद में माँ ने सपने में मुझे आदेश दिया था कि मेरा स्थान मनवाओ। तो जैसे जैसे माँ ने सपना दिया मेरे को, उस हिसाब से मैंने स्थान तैयार करवाया। अभी मंदिर में जाने के लिए अधिकारी का मंदिर है, अधिकारी के मंदिर गया, फिर माँ वैष्णो का मंदिर है, लौटते हैं भैरव जी का है। जो भारा वृक्ष देख रहे हैं वो गुरु महाराज के हाथ का है। हाँ, उसमें मनोकामना जो भी आता है आदमी मनोकामना मांगता है, और बहुत जल्दी महामारी सुनती है। और जो जम्मू नहीं जा पाता है वो वैष्णो देवी आके दर्शन करके लाभ उठाता है। और आप लोगों का बहुत आभारी हूँ जिससे आप लोगों को रास्ता बताती है कि ग्वालियर में भी माँ वैष्णो देवी का दरबार है। जो लोग जम्मू नहीं जा पा रहे हैं वो यहाँ पर आकर अपनी अर्जी लगाइए और उनकी मनोकामना पूरी करती हैं मैया रानी। और परसों यहाँ भंडारा है, मेरा आपसे निवेदन है कि जितना पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा आए, कल भी भंडारा था, एक परसों फिर है भंडारा, तो आप लोग सब आए माँ का प्रसाद ग्रहण करें। और परसों यानी कि दसवीं वाले दिन यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, तो जितने भी श्रद्धालु भंडारे में आना चाहते हैं तो आ जाइए और माँ के दर्शन कीजिए और प्रसादी का आनंद लीजिए माँ के दरबार में। के दर्शन करने के बाद अब आपको सीधे लेकर चलता हूँ भैरव बाबा मंदिर पर और अमरनाथ जी की गुफा आपको मैं दिखाऊंगा। और ये भैरव बाबा यहाँ पर विराजमान है, माँ के सेवक और माँ के लाडले भैरव बाबा का ये स्थान, आप दर्शन कर रहे हैं भैरव बाबा के। और आपकी जो भी मनोकामना है मांग लीजिए भैरव बाबा जी से। बोलो भैरव बाबा की जय। और गुफा के रास्ते सीधे सीधे बाहर निकलते हुए और फिर आपको लेकर चलता हूँ गुरु महाराज जी के स्थान पर और अमरनाथ बाबा की गुफा में। दर्शन आप कर रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, हनुमान जी महाराज सभी पर कृपा बनाए हैं यहाँ पर, और आप दर्शन कर रहे हैं हनुमान जी महाराज जी के और राम राजा सरकार के और राधा कृष्ण जी के, ये अद्भुत दर्शन जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर कर रहे हैं। आप दर्शन कर रहे हैं गुरु महाराज जी के और गुरु महाराज की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। और आप जैसे ही जब बाहर निकलते हैं वैष्णो देवी दरबार से, तो गुरु महाराज की
का ये मंदिर आपको मिल जाएगा और आपकी जो भी मनोकामना है गुरु महाराज मैया तक पहुंचाएंगे। आप सच्चे मन से आई है और गुरु महाराज के यहाँ पर अर्जी लगाई है और गुरु महाराज आपकी अर्जी को मैया तक पहुंचाएंगे और ये बाहर जाने का रास्ता यानी कि इस रास्ते के द्वारा सीधे आप पहुंचेंगे अमरनाथ गुफा में। और अभी मैं अमरनाथ गुफा के भी दर्शन कराऊंगा आपको और बाबा अमरनाथ के भी दर्शन आप करेंगे। उससे पहले बाबा को अर्जी लगाते हैं। गुरु महाराज की जय। से सभी सेवक लगे हुए हैं। मैम आप कब से लगे हुए हैं? हम जब माता रानी का हम जब से लगे जब से शुरुआत हुई है। जब से शुरुआत जब से आज हमें आज आठवां दिन हमें 24 घंटे खड़े रहते हैं। 12 बजे जाते हैं नाइट में। नाइट में 12 बजे जाते हैं। आप लोगों ने दर्शन कर लिए मैया के? हाँ। आप सभी ने दर्शन कर लिए? हाँ। कैसे दर्शन हुए मैया के? बहुत अच्छे। तो क्या मांगा मैया से? जो अपनी अपनी मनोकामना मांगी हमने अपनी मनोकामना मांगी। तो मैया का कोई भेंट आती है आप लोगों को? आती है तो एक कोई भेंट सुना दीजिए। अभी मैया के दरबार में मैया के अंगना में है। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। जोर से बोलो जय माता की। सारे बोलो जय माता की। जोर से बोलो जय माता की। जोर से बोलो बिल्कुल बोलो जय माता की। जोर से बोलो जय माता की। जोर से बोलो जय माता की। और माँ के आशीर्वाद लेने के बाद और माँ के दर्शन करने के बाद अब आपको लेकर चलता हूँ सीधे और ये प्रोग्राम आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। YouTube पर ग्वालियर मेला महोत्सव टाइप करेंगे तो आपको YouTube पर मिल जाएगा कल। और Facebook पेज पर ग्वालियर मेला महोत्सव अगर आपके यहाँ डैन केबल TV आता है तो डैन पर 156 नंबर और GTPL नेटवर्क पर 50 नंबर पर आप देख सकते हैं ये कार्यक्रम। तो अब यहाँ से सीधे सीधे चलते हैं बाबा अमरनाथ की गुफा में। आप देख सकते हैं ये बाबा अमरनाथ की गुफा है और हमारे ग्वालियर में विराजमान है बाबा अमरनाथ। और अमरनाथ की गुफा में सीधे आपको अंदर ले जाते हुए और झुक के यानी कि कहते हैं जब हम घर से झुककर निकलते हैं तो दुनिया आपकी मनोकामना पूरी करती है और आप दर्शन कर रहे हैं बाबा अमरनाथ के। बोलो बाबा अमरनाथ की। बम 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 बम। और बाबा अमरनाथ के दर्शन आप कर रहे हैं। अगर आपकी जो भी मनोकामना है मांग लीजिए बाबा से और बाबा सबकी यानी कि इनका नाम है भोले और भोले सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और आपकी जो भी मनोकामना है मांग लीजिए बाबा से और बाबा अमरनाथ से। बोलो अमरनाथ बाबा की। बम 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 बम। दोनों हाथ उठाकर करना है। बम बम बोले बम 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 बम। और अब बाबा की गुफा से बाहर निकलती हुई ये बाहर का रास्ता है। माँ के दर्शन कर लिए और बाबा अमरनाथ के दर्शन कर लिए और उसके बाद बारी आती है यहाँ के गुरु महाराज की का ये स्थान है और गुरु महाराज द्वारा ये बरगद का पेड़ लगाया गया था। और आप जो भी मनोकामना मांगते हैं आप देख सकते हैं सभी अपने अपने चुंदी यहाँ पर बांधकर बाबा से और गिरिराज जी महाराज से सभी अपनी मनोकामना मांगी है। और बरगद के पेड़ के नीचे ये आप चुंदियाँ देख रहे हैं ये सभी की मनोकामना की गांठ बंधी हुई है। और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो उस एक गांठ को वो खोल कर चले जाते हैं। और यहाँ पर ये अद्भुत दृश्य आप देख सकते हैं अद्भुत मूर्ति बाबा की। और आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर ये विशालकाय बरगद का पेड़।
जो माँ के दरबार में स्थापित है, कई वर्षों पुराना ये बरगद का पेड़, और कई वर्षों से माँ सभी की मनोकामना पूरी कर रही हैं, ग्वालियर वासियों की और सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी कर रही हैं। क्योंकि अगर आप वैष्णो देवी नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई फिक्र नहीं, आप आइए झांसी रोड थाने के ठीक पास से रास्ता जाता है और आपको बोर्ड लगा दिख जाएगा, पेट्रोल पंप के ठीक बगल में है माँ वैष्णो देवी का ये दरबार। आपकी जो भी मनोकामना है मांगिए माँ से। अगर आप जम्मू नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ पर आइए, दर्शन कीजिए, और सोमवार के सोमवार यहाँ पर मेला लगता है और दसवीं वाले दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। तो माँ के दर्शन कीजिए और विशाल भंडारे का आनंद लीजिए, प्रसादी यहाँ पर ग्रहण कीजिए यहाँ पर आकर। और चलिए, आज अष्टमी के दिन आपको दर्शन कराए मांडरे वाली माता के, काली माई के और वैष्णो माई के, और कल नवमी वाले दिन दिखाएंगे माँ के सभी मेले, ग्वालियर के प्रसिद्ध देवी स्थान और देवी मेले के नवमी मेले आप सभी को दिखाएंगे। चलिए, तब तक के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ, माँ का ये प्यारा सा सॉन्ग। और मैं बताना चाहूँगा, ये जो आप नंबर देख रहे हैं, अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो ये मेरा संपर्क नंबर है 8966808752, 8966808752। डैन पर 156 नंबर पर आप 24 घंटे प्रोग्राम देख सकते हैं नवरात्र स्पेशल, और GTPL नेटवर्क पर 50 नंबर पर 24 घंटे आप देख सकते हैं। YouTube पर ग्वालियर मेला महोत्सव टाइप करना है आपको, और Facebook अगर आप चलाते हैं तो Facebook पर ग्वालियर मेला महोत्सव पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे ग्वालियर की और हमारे चंबल संभाग की जुड़ी हुई, यानी कि हमारे चंबल संभाग के प्रसिद्ध देवी मंदिर को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। क्योंकि आप जब रील या कोई इंस्टाग्राम के कोई भी वीडियो आप उसको लाइक करते हैं, शेयर कर देते हैं, पर ये तो भक्तिमयी प्रोग्राम है, और इस भक्तिमयी प्रोग्राम को और हमारे चंबल की माटी के ये शानदार प्रोग्राम को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और माँ की महिमा को दूर दूर तक फैला दीजिए। जय माई की।